वो थप्पड़ भाई जिंदगी का वो ऐसा थप्पड़ था ना, मतलब कभी एक बार आपने मेरे को मारा था, भाग गया था घर से जब मैं कितने साल का था तब। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मम्मा को बोलते हैं, मम्मा मैं जा रहा हूँ डिप्रेशन में। मम्मा जा तो मैं जा रहा हूँ। डिप्रेशन में, मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, चले जाओ बाथरूम में पोटी कर। अब तो मम्मा को पता लग गया, क्योंकि कल मैंने रील बना ली थी है ना, तो मम्मा को मैंने सिखाया था कि मम्मा आपने ऐसे बोलना है कि मैं कहूँगा कि मम्मी मैं जा रहा हूँ डिप्रेशन में, और आपने कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तूने चुपचाप, नहीं सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है, चुपचाप घर बैठ और सो जा, बस ये बोलना था। बट मम्मी ने अजीब सा बोल दिया था। आप रील पे जाके देख सकते हो, मैं रील आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। मम्मी आपको एक बचपन की स्टोरी याद है? सच सच बताना। एक बार आपने मेरे को, इधर देखो, एक मिनट देखो सही, एक बार आपने मेरे को मारा था ठीक हाँ, है, फिर मैंने क्या कहा था आपको, मैं नंगा ही भाग गया था घर से जब मैं कितने साल का था तब। तब यही होगा, लो इधर कोई कैमरे पे देख के बोलो, 3-4 साल देखो ना का। कैमरे पे, नहीं, 3-4 साल का, 3-4 साल का था कि 5 साल का था। 5 साल का होगा इतना। हाँ तो गाइज, मैं मम्मी को स्टोरी सुनाएंगे। मम्मी सुनाओ, सुना दो यार, जब मैं डीसी के पास ये गया मेरे था। को तंग कर रहा था ना, हाँ तो मैंने इधर देख के इसको, बोलो यार, इधर नहीं देखना मैंने, प्लीज यार, मम्मा समझो, थंबनेल के लिए भी हो जाएगा ना, ऐसे देखो ना एक बार कैमरे में। तो मैंने इसको मारा ना, इसने पता नहीं सुन रखा होगा कि भाई डीसी जो है यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट का भाई। उस टाइम नया नया रूल निकला था कि बच्चों को नहीं मारना है ना, कुछ इस टाइप का रूल निकला था, तो मेरे भी माइंड में वो चीज आ गई थी। तो इन्होंने मेरे को मारा घर पे नंगा करके, ठीक है, नंगा नंगा है, झूठ बोल रहा है, नंगा मतलब कौन उस टाइम करता मैं है। नहाने चला था, इन्होंने कुछ मेरे से गलती होगी उस चीज पे मारा, फिर उसके बाद मैं चले गया भागते भागते। तो मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ डीसी के घर, डीसी के घर नहीं, डीसी के रेजिडेंस, ठीक है, कंप्लेंट करने घर वालों की। है मम्मा, हाँ, फिर मम्मी मेरे पीछे पड़े, आप पड़े थे यही शुद्धि पड़ी ही। हाँ मम्मी मेरे पीछे पड़े, तो मैं, एक मेरा फ्रेंड है यहाँ पे साथ में, उसके गेट के पीछे मैं छिप गया, फिर मम्मी ने मेरे को ढूंढ लिया, मम्मी ने फिर पकड़ा, फिर मैं हाथ छुड़ा के फिर भाग गया। तो बोले मतलब फिर मैं भाग के, फिर मेरे को याद, फिर मेरे को डीसी का घर नहीं था पता, मतलब रेजिडेंस जो होता है। फिर उसके बाद मैं नीचे माई के बाग मामू के घर चले गया भागते भागते, मामी के पास। क्या बोलते हो मम्मा, याद है? अब मेरे को नहीं रहना आपके घर में। मम्मी के पास रहना। ऐसे लग पड़ा मैं इनको बोलने, सोचो मतलब बचपन से हम शरारती थे। फिर मैंने अपने घर वालों को धमकी दी कि मैंने नहीं रहना। धमकी तो क्या, मतलब बच्चा था उस टाइम, माइंड में भी नहीं थी ये चीजें कि भाई अपना घर जो होता है वो अपना ही होता है। फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि मैं जा रहा हूँ, मामी के घर ही रहूंगा, और मामी ने ऊपर फोन कर दिया, फिर ऊपर बुलाया मेरे को, इशू दी दिया है शायद लेने, मेरे को इतना याद नहीं है, 5-6 साल का था तो इतना याद नहीं रहता, थोड़ी सी बीच में ज़्यादा भी बोल सकता हूँ कम भी बोल सकता हूँ, इतना मुझे पता नहीं है। बट मेरे हिसाब से मेरे को कोई लेने आया था, इतना याद नहीं, पर मेरे को कोई लेने आया था, फिर ऊपर बुलाया, फिर ऊपर फिर मेरे को मार पड़ी मम्मी दोबारा, फिर मेरे को मार पड़ी थी ना, लाई सिद्ध बोलो, दोबारा फिर मार पड़ी थी और क्या, सच्ची। और क्या। देखो गाइस कितना मारते थे मेरे को, या देख लो आप, मेरे को सपोर्ट करो यार। बचपन का सुधर है ना वो। तो यार ये बड़ा मारते थे भाई, ये थी आगे वाले ब्लॉग में और स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। क्या ये झूठ बोल रहा है, क्या झूठ क्या बोल रहा है, मारा किसने तेरे को, क्यों मारा नहीं था आपने उस टाइम मेरे को, इतना तो नहीं मारा था, झिड़कियां दी थी, एक थप्पड़ पड़ा होगा क्यों बढ़िया। भाई? ओ तो और मैं, तो क्या, अगर आप मारते नहीं तो मैं बचपन भागता में क्यों? ऐसी ऐसी हरकत की, ये तो बड़े होके भी बंदा कर सकता है, इसे सुधारने के लिए किया वो सब कुछ। हाँ मतलब गाइस, वो तो हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा सुधरा हुआ रहे, है हाँ ना, तो फिर मतलब समझ रहे हो ना, ज्यादा तो नहीं, उस टाइम ज्यादा लगती थी मार, छोटे भी थे और लगती भी ज्यादा थी, तो अब मेरे को इतनी याद नहीं है, मैंने आपको कह तो दिया। तो चलो बस यही स्टोरी थी, और आगे भी स्टोरी सुनाऊंगा मैं कोई और, आपको बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ, चलो बने रहो ब्लॉग में। मम्मी वैसे सबसे ज्यादा मेरे को मारा किसने है इसने भी नहीं, यार, सही में बोलो यार, पता क्या रियल बताना होता है ब्लॉग में, झूठे झूठी चीजें नहीं उतानी होती। मैंने आपने तो नहीं मारा, पापा ने मारा ज्यादा, क्या मैंने सच्ची आपने तो मारा ही नहीं, लड़कियां बाप की लाडली होती है, लड़के माँ के लाडले होते नहीं हैं। बट आपने नहीं मारा मम्मा, मारा है मैंने, कब मारा मैंने तो देखा नहीं, एक थप्पड़ बजा था जब मैं पढ़ाई
पढ़ाई करते करते सो गया था। वो थप्पड़ भाई जिंदगी का वो ऐसा थप्पड़ था ना, मतलब कभी टीचरों से नहीं खाई इतनी जोर से मार, बट जो मम्मा ने मारा था ना इधर उंगलियां छप गई थी, इधर उंगलियां ऐसे सोया हुआ था मैं, पीछे जो ये होती है ना ढो, ढो बोलते हैं ना मम्मी इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, बेड की ढो। हाँ बेड की जो ढो होती है, मतलब ये जो पीछे वाली, यहाँ पे सहारा लेके मैं ऐसे बैठा हुआ बुक नीचे, और मम्मी आए मैं सोया हुआ टचर है ना, और यहाँ पे चार की चार उंगली छपी थी गाइस। यार मम्मी वो होती है, पांच होती है पर अंगूठा नहीं छपा था ना, तो फिर क्या बोलते इतनी जोर से पड़ा था वो मार, मैं आज तक नहीं भूला। वो कब की बात है, जब टेंथ के एग्जाम लगे हुए थे है ना, टेंथ के एग्जाम थे लगे हुए, तब साइंस का पेपर था, इतना मेरे को पूरा याद है क्योंकि मारे याद रहती है ना। सो गाइस फाइनली नहाने धोने के बाद मैं रेडी हो गया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं किसी काम से, और चलो चलते हैं अब निकलो। सो जो मुझे काम था वो मैं अपना ख़त्म करके घर वापस आ गया हूँ, तो ये चश्मा कैसा लग रहा है मुझे बताना, ठीक है, आइज वीक हो गई है यार, और अगर आइज ठीक हो जाए, और मार्शल कैसे देख रहे हैं मेरे को ब्लॉग बनाते हुए, मार्शल कुछ कहना चाहते हो आप, भगो कर दो, पू पू कर।